हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्थान, लर्न टू नो एंड नो टू लर्न। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर टॉपिक को, जिसमें हम डिफरेंट ए लेवल एग्जाम्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज का लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 6, जिसमें ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, रीड करिए इसको। अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर has a maximum efficiency of 90% at full load and unity power factor. The efficiency at half load at the same power factor is what? इस क्वेश्चन में क्या कहा है? एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी है? 90%। मैक्सिमम एफिशिएंसी है 90%, किस लोड पर है? फुल लोड पर। और पावर फैक्टर क्या है? यूनिटी पावर फैक्टर पर है। एफिशिएंसी हमें फाइंड आउट करना है एट हाफ लोड एट द सेम पावर फैक्टर, यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर पर। राइट, हाफ लोड यूनिटी पावर फैक्टर पर हमें एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना है। यहां देखो, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी गिवन है, ईटा मैक्स, मैक्सिमम एफिशिएंसी ये क्या होता है? इसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर का केवीए रेटिंग है, एस एफ एल, फुल लोड केवीए रेटिंग, इनटू कॉस फाई पावर फैक्टर डिवाइडेड बाय एस एफ एल इंटू कॉस फाइव, और प्लस यहां पर हो जाएगा आयरन लॉस, और प्लस ये क्या हो जाएगा? पी सी यू एफ एल, फुल लोड पर कॉपर लॉस। राइट, क्यों हमने ऐसा लिखा? क्योंकि एफिशिएंसी गिवन है, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो कहां गिवन है? फुल लोड पर गिवन है। राइट, तो यहां पर मैक्सिमम एफिशिएंसी इज इक्वल टू 90%, इट मींस दिस इज 0.9 इज इक्वल टू, यहां पर मैं लिखूंगा एस एफ एल इंटू पावर फैक्टर क्या है? 1 डिवाइडेड बाय, यहां हो जाएगा एस एफ एल इंटू 1, ओके, प्लस मैक्सिमम एफिशिएंसी पर आयरन लॉस और कॉपर लॉस, ये दोनों क्या होते हैं? दोनों होंगे सेम। तो यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं? 2 टाइम्स ऑफ पी आई, है ना, when PI is equal to PCUFL, ये दोनों सेम होंगे। तो जब सेम होंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि PI plus PCUFL is equal to 2PI, right? यहाँ से देखो, यहाँ से आप लिख सकते हो 0.9 को आप इस साइड लेके आओ तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम फिर इसको ऐसे लिखेंगे कि SFL plus 2 times of PI is equal to SFL, wait, this is SFL SFL divided by what? 0.9। तो जब हम 0.9 से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/0.9, इट मींस ये हो जाएगा 1.111, यानी कि हम इसको लिखेंगे 1.111 टाइम्स ऑफ SFL। राइट, अब इसको कैलकुलेट कर लो, जो हमारा इस साइड SFL है इसको हम राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इट मींस हमें यहाँ से मिलेगा 0.111 टाइम्स ऑफ SFL इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ PI। राइट, यहाँ से आप PI को फाइंड आउट कर लो, यानी कि जो आयरन लॉस है उसको आप फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ से मैं PI को क्या लिखूंगा? 0.111 SFL डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा PI, यानी कि आयरन लॉस। राइट, इसको जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो आफ्टर कैलकुलेशन आपको मिलेगा PI इज इक्वल टू 0.055 टाइम्स ऑफ SFL। फुल लोड का जो रेटिंग है, केवीए रेटिंग है ट्रांसफॉर्मर का, उसमें यदि आप 0.055 से मल्टीप्लाई करते हो तब आपको इस ट्रांसफॉर्मर का आयरन लॉस मिलेगा। राइट, और यहाँ पर जो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिली थी वो मैक्सिमम एफिशिएंसी फुल लोड पे मिली थी, तो फुल लोड का जो कॉपर लॉस होगा वो आयरन लॉस के इक्वल होगा, है ना, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। फुल लोड पर जो कॉपर लॉस है PCUFL, वो आयरन लॉस PI के इक्वल है। तो यहाँ पर मैं ये भी लिख दूंगा कि PCUFL फुल लोड पर कॉपर लॉस कितना हो जाएगा? PI के इक्वल, इट मीन 0.055 टाइम्स ऑफ SFL। ये है फुल लोड कॉपर लॉस। तो फर्स्ट कंडीशन से हमें
दो पॉइंट मिला है, एक तो आयरन लॉस इस ट्रांसफॉर्मर में कितना होगा वो हमें पता चल गया, और फिर फुल लोड पे कॉपर लॉस कितना होगा ये हमें पता चल चुका है, राइट। अब हमें क्या करना है, जो एफिशिएंसी इसने फाइंड आउट करने के लिए बोला है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखो अब इसने जो बोला है एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना है, तो एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना है हाफ लोड पर, हाफ लोड पर, राइट। हाफ लोड पर सबसे पहले हम कॉपर लॉस को फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। कॉपर लॉस पी सी यू हाफ लोड पर कितना हो जाएगा, फुल लोड कॉपर लॉस का 1/4, राइट। फुल लोड कॉपर लॉस कितना है, 0.055, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.055 टाइम्स ऑफ SFL डिवाइडेड बाई वॉट, डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा फुल लोड कॉपर लॉस, सॉरी ये हो जाएगा हाफ लोड कॉपर लॉस। सो दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 4, इट मीन्स ये हो जाएगा 0.0138 टाइम्स ऑफ SFL, व्हाट इज दिस, दिस इज हाफ लोड कॉपर लॉस। अब आप आसानी से एफिशिएंसी निकाल सकते हो, एफिशिएंसी इज इक्वल टू, हाफ लोड पर एफिशिएंसी चाहिए तो एफिशिएंसी हाफ लोड पर इज इक्वल टू, हाफ लोड पर KVA कितना होगा, SFL/2, तो यहां पर मैं लिखूंगा SFL/2, या फिर आप ऐसे लिख लो 0.5 टाइम्स ऑफ SFL, ठीक है, इनटू पावर फैक्टर कॉस फाई। कॉस फाई के बारे में क्या गिवन है कि एट सेम पावर फैक्टर यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर पे, तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी होगी, 1 डिवाइडेड बाय 0.5 टाइम्स ऑफ SFL इनटू 1 प्लस हो जाएगा आयरन लॉस, आयरन लॉस इज PI, ओके PI की वैल्यू यहां पर पुट कर लेते हैं या फिर नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, PI और प्लस हो जाएगा PCU हाफ लोड पर, राइट। अब यहां पर देखो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.5 टाइम्स ऑफ SFL डिवाइडेड बाय 0.5 टाइम्स ऑफ SFL प्लस PI प्लस PCU हाफ, PI प्लस PCU हाफ, PI की वैल्यू कितनी है 0.055 टाइम्स ऑफ SFL और PCU हाफ कितना है 0.0138 टाइम्स ऑफ SFL, दोनों को ऐड कर लो तो कितना होगा 10 प्लस 0.055, इट मींस ये हो जाएगा 0.0688, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 0.0688 टाइम्स ऑफ SFL, ओके। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एफिशिएंसी आपको परसेंटेज में मिल जाएगी, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 10 प्लस 0.5, ओके 0.5 डिवाइडेड बाय 10, आंसर इज इक्वल टू 87.89%, ये कितना आ रहा है 87.89%, 87.89%। ऑप्शन कौन सा सही होगा, 87.8%, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अ 3 फेज 900 KVA 3 किलो वोल्ट बाय 1.732 किलो वोल्ट, ये जो ट्रांसफॉर्मर है इसका कनेक्शन कैसा है, डेल्टा स्टार में है, यानी कि प्राइमरी साइड कनेक्टेड है डेल्टा में और जो सेकेंडरी साइड है वो कनेक्टेड है स्टार में। 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर हैज़ प्राइमरी हाई वोल्टेज साइड रेसिस्टेंस पर फेज ऑफ 0.3 ओम, प्राइमरी वाइंडिंग का रेसिस्टेंस गिवन है एंड सेकेंडरी रेसिस्टेंस पर फेज ऑफ 0.02 ओम, प्राइमरी वाइंडिंग का रेसिस्टेंस गिवन है, सेकेंडरी वाइंडिंग का रेसिस्टेंस गिवन है। आयरन लॉस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज 10 किलोवाट, आयरन लॉस भी हमें दिया गया है। फुल लोड परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर ऑपरेटेड एट यूनिटी पावर फैक्टर इज व्हाट, फुल लोड पर हमें एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है विथ UPF यूनिटी पावर फैक्टर। तो यहां पर आपको आयरन लॉस तो दिया गया है लेकिन कॉपर लॉस नहीं दिया गया है, तो कॉपर लॉस को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, कॉपर लॉस को फाइंड आउट करने के लिए यहां पर रेसिस्टेंस गिवन है, प्राइमरी साइड की वाइंडिंग का रेसिस्टेंस दिया गया है और सेकेंडरी साइड का वाइंडिंग का रेसिस्टेंस गिवन है, ठीक है। यहां पर मैं लिखता हूं कि प्राइमरी साइड, ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी साइड की सबसे पहले बात कर लेते हैं, प्राइमरी साइड का कनेक्शन किस में है, डेल्टा में है, राइट। प्राइमरी साइड का कनेक्शन है डेल्टा में और इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन जो लाइन वोल्टेज होता है और जो फेज वोल्टेज होता है बोथ आर सेम, राइट।
या फिर आप इसको ऐसे ऐसे ना ही करो, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज अभी रहने दो। यहाँ पर क्या करोगे, जो ट्रांसफार्मर है थ्री फेज ट्रांसफार्मर, उसका केवीए आपको दिया गया है एस थ्री फेज इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 900 केवीए। एस थ्री फेज की वैल्यू आपको दी गई है, राइट। उसके बाद हाई वोल्टेज साइड का यानी जो प्राइमरी साइड है वहां का लाइन वोल्टेज गिवन है वी एल। वी एल इज इक्वल टू कितना गिवन है, 3 किलो वोल्ट। तो प्राइमरी साइड का लाइन करंट तो फाइंड आउट कर सकते हो। प्राइमरी साइड का लाइन करंट, इसको मैं बोलता हूं I1 लाइन। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस थ्री फेज डिवाइडेड बाय √3 टाइम्स ऑफ लाइन वोल्टेज, राइट। कैलकुलेट करिए, एस थ्री फेज इज 900 केवीए यानी कि 10^3 डिवाइडेड बाय √3 टाइम्स ऑफ वी एल, और वी एल की वैल्यू है 3 किलो वोल्ट यानी कि 3 × 10^3। कैंसल आउट हो जाएगा, ये क्या हो गया 300/√3। इट मीन्स 173.2, दिस इज 173.205 एम्पियर। इतने एम्पियर का लाइन करंट होगा प्राइमरी साइड। अब प्राइमरी साइड का कनेक्शन देखो, प्राइमरी साइड का कनेक्शन है डेल्टा में, तो डेल्टा कनेक्शन के केस में जो फेज करंट होता है वो क्या होता है, लाइन करंट डिवाइडेड बाय √3। यहाँ पर हमें लाइन करंट मिला है प्राइमरी साइड का 173.205 एम्पियर। इसको यदि आप √3 से डिवाइड कर दोगे तो प्राइमरी साइड का आपको फेज करंट मिल जाएगा। देखिए, सो I1 फेज, प्राइमरी साइड का फेज करंट क्या हो जाएगा, लाइन करंट 173.205 डिवाइड हम करेंगे √3 से, तो क्या हो जाएगा, इसको यदि आप √3 से डिवाइड करते हो तो ये हो जाएगा 100 एम्पियर। 100 एम्पियर यानी कि यहां से आपको प्राइमरी साइड का फेज करंट मिला है। ओके, प्राइमरी साइड का आपको फेज करंट यहां से मिला है 100 एम्पियर। अब प्राइमरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस गिवन है, तो जब रेजिस्टेंस आपको पता है प्राइमरी साइड का, प्राइमरी साइड में फ्लो होने वाला फेज करंट पता है, तो उसमें पावर लॉस आप फाइंड आउट कर सकते हो I2R करके। लेकिन ध्यान रखना, ये जो करंट है वो क्या है, फेज करंट है यानी कि सिंगल फेज में फ्लो होने वाला करंट है। तो जब I2R करोगे तो वो सिंगल फेज का पावर होगा, लेकिन जो ट्रांसफार्मर है वो हमारा थ्री फेज का है ना। तो प्राइमरी साइड का कॉपर लॉस कितना होगा, PCU 1 लिख देता हूं, प्राइमरी साइड का कॉपर लॉस। ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ सिंगल फेज, और सिंगल फेज का होगा I1 फेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1, राइट। सो ये हो जाएगा 3 × 100 एम्पियर है, इसका स्क्वायर करेंगे R1 यानी कि प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस, विच इज 0.3। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 10 स्क्वायर इंटू 0.3 ओम, I2R हो गया, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 फेज का पावर यानी कि ये हो जाएगा 9 किलो वॉट। 9 किलो वॉट का जो पावर लॉस हुआ है वो प्राइमरी वाइंडिंग में हुआ है एट फुल लोड, ठीक है। तो फुल लोड जो पावर लॉस हुआ है, जो कॉपर लॉस हुआ है फुल लोड का, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वाइंडिंग का हमने निकाला है। अब हमें सेकेंडरी वाइंडिंग का भी कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए, सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी साइड हो गया, अब आप लिखोगे सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर। इसका कनेक्शन कैसा है सेकेंडरी साइड में, स्टार कनेक्शन है, राइट। सेकेंडरी साइड का कनेक्शन है स्टार में, ओके। अब देखिए, सेकेंडरी साइड में भी जो केवीए रेटिंग है वो तो सेम रहेगी, जो ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग होता है वो चाहे प्राइमरी साइड रख लो या फिर सेकेंडरी साइड रख लो, दोनों साइड सेम होता है, ओके। तो एस थ्री फेज यहाँ भी होगा 900 केवीए। उसके बाद लाइन वोल्टेज कितना होगा, जो लाइन वोल्टेज है सेकेंडरी साइड का वो गिवन है 1.732 किलो वोल्ट। यहाँ पर देखो, ये 3 किलो वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.732 किलो वोल्ट, तो सेकेंडरी साइड का लाइन वोल्टेज हमें पता है। यहाँ से सेकेंडरी साइड का लाइन करंट यानी कि I2 लाइन हम फाइंड आउट करेंगे, तो I2 लाइन क्या हो जाएगा, एस थ्री फेज यानी कि 900 केवीए डिवाइडेड बाय √3 टाइम्स ऑफ लाइन वोल्टेज विच इज 1.732
किलो वोल्ट यानी कि 10^3। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें लाइन करंट मिल जाएगा। यहां से 10^3 और 10^3 को आप कैंसल आउट कर लो, 900 डिवाइडेड बाय 300। जो करंट की वैल्यू है वो है 300 एम्पियर। अब ये जो 300 एम्पियर है ये क्या है, I2 लाइन यानी कि सेकेंडरी साइड का लाइन करंट है, और सेकेंडरी साइड में जो वाइंडिंग्स हैं उसका कनेक्शन कैसा है, स्टार में कनेक्टेड है। तो इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन लाइन करंट और फेज करंट होते हैं सेम, और हमें चाहिए फेज करंट। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा कि सेकेंडरी साइड का फेज करंट भी हमारा कितना होगा, 300 एम्पियर। अब सेकेंडरी साइड का फेज करंट आपको मिल गया है, तो सेकेंडरी साइड में होने वाला कॉपर लॉस आप फाइंड आउट कर लो, यानी कि जो पावर लॉस होगा वाइंडिंग में उस पावर लॉस को आप फाइंड आउट कर लो। तो क्या लिखोगे, PCU2 यानी कि सेकेंडरी साइड में जो पावर लॉस होगा, सिंगल फेज पावर लॉस क्या होगा, I2R, लेकिन जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो है 3 फेज, तो हम पावर लॉस को कैसे लिखेंगे, 3 × I2R। तो 3 × I2, I कौन सा लेंगे हम, सेकेंडरी साइड का फेज करंट, इसका करेंगे स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस कौन सा लेंगे, सेकेंडरी का रेसिस्टेंस, 3 × what is this is 300 स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस। R2 की वैल्यू कितनी की मैंने, 0.02। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, सो 300 स्क्वायर इंटू 3 × 0.02, इट मींस ये हो जाएगा 5.4 किलोवाट। दिस इज 5.4 किलोवाट। देखो टोटल कॉपर लॉस कितना होगा, प्राइमरी वाइंडिंग में 9 किलोवाट का लॉस हो रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग में 5.4 किलोवाट का लॉस हो रहा है, तो टोटल कॉपर लॉस एट फुल लोड क्या लिखोगे, PCUFL, टोटल फुल लोड कॉपर लॉस 9 + 5.4, ये कितना हो जाएगा, 14.4 किलोवाट, राइट। ये अब आपको कॉपर लॉस मिल गया है। अब आसानी से आप यहां पर एफिशिएंसी को फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। देखिए एफिशिएंसी अब हमें फाइंड आउट करना है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू फुल लोड, द फुल लोड परसेंटेज एफिशिएंसी, ठीक है। तो फुल लोड केवीए कितना है, 900 केवीए इंटू पावर फैक्टर, किस पावर फैक्टर पे है, यूनिटी पावर फैक्टर पे, तो इंटू 1 डिवाइडेड बाय व्हाट, 900 × 1 प्लस आयरन लॉस, आयरन लॉस कितना गिवन है, 10 किलोवाट, तो मैं क्या लिखूंगा, 10 प्लस कॉपर लॉस हमने कितना फाइंड आउट किया था, 14.4, क्या लिखोगे, 14.4 किलोवाट। कैलकुलेट कर लीजिए, एफिशिएंसी आपको मिल जाएगी, तो 24 हो गया, 24.4, ठीक है। तो 900 / 924.4, इसको यदि मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा कितना, 97.36%। ये है एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, तो 97.36 ये इस रेंज में आएगा जो डी ऑप्शन में गिवन है, 97.202, 97.55, इसी रेंज में होगा, तो आप ऑप्शन डी को मार्क करोगे एज ए करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो आपको कहाँ मिलती है। तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है हमारी सोसाइटी के आसपास जो लगा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, वो उसको हम जनरली 65 से लेकर 75% ऑफ फुल लोड तक, 65 से 75, ये नियर अबाउट हम इसको मान के चलते हैं, या फिर इस ऑप्शन में 80% की बने तो ठीक है, आप इसको 80% भी लिख सकते हो कि ये 80% ऑफ फुल लोड पर हम इसको ऑपरेट करवाते हैं, है ना। जो इसका रेटिंग होता है ना ट्रांसफार्मर का, जो रेटिंग होता है उसका सिर्फ और सिर्फ 80% ही हम उसके ऊपर लोड डालते हैं, 80% लोड डालते हैं हम उसके ऊपर, राइट। तो 80% ऑफ फुल लोड पर इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को हम ऑपरेट कराते हैं, और जिस लोड पर हम उसको ऑपरेट कराएंगे तो हमारी जो विश होती है वो यही होती है कि जिस लोड पर हम उसको ऑपरेट करवाते हैं वहाँ पर वो एफिशिएंसी मैक्सिमम दे,
राइट एफिशिएंसी से वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, राइट। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का हमें उसी लोड पर मिलता है जिस लोड पे हम उसको जनरली ऑपरेट करवाते हैं, राइट। तो इस ऑप्शन में जितने भी ऑप्शंस हैं वहाँ पर 80% गिवन है, तो आप 80% मार्क करोगे। हो सकता है कि आपके एग्जाम में कहीं 75% अगर दे दिया तो 75 को मार्क करोगे, राइट। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि 75 भी हो और 80 भी हो, ऐसा ऑप्शन में नहीं होगा। या तो 75 देगा या फिर 80 देगा, या फिर हो सकता है 70% दे दे। तो जो इस रेंज में हो, 65 और 80 के बीच में जो इस रेंज में हो, उस ऑप्शन को आप मार्क करोगे, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, पावर ट्रांसफॉर्मर्स, ओके, पावर ट्रांसफॉर्मर्स आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट व्हाट। पावर ट्रांसफॉर्मर, हमने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर को देखा कि वो 80% ऑफ फुल लोड पर जब ऑपरेट करता है तो इट मींस उसका जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो वहीं पर मिलेगा। लेकिन पावर ट्रांसफार्मर का ये काम नहीं है। पावर ट्रांसफार्मर आपको आपकी सोसाइटी में नज़र नहीं आएगा, ये होते हैं सब स्टेशन में लगे हुए। इनका काम होता है सिर्फ स्टेप अप करना या फिर स्टेप डाउन करना, ठीक है। ये सब स्टेशन में लगे होते हैं, इनका स्टेप अप और स्टेप डाउन करना होता है। इनको लोड को सप्लाई नहीं करना होता कि कोई पर्सनल हाउस को ये लोड सप्लाई कर रहा है, ये पावर सप्लाई कर रहा है, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो जो सब स्टेशन में जो सप्लाई आ रहा है वहां पर पावर ट्रांसफार्मर लगा होगा, राइट। तो या तो पावर ट्रांसफार्मर ऑन होगा या फिर पावर ट्रांसफार्मर ऑफ होगा, है ना। अगर वो ऑन है तो वो फुल लोड पर ऑपरेट कर रहा होगा, लोड के साथ वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, राइट। फुल लोड पे ऑपरेट करेगा पावर ट्रांसफार्मर, क्योंकि वो सब स्टेशन में लगा हुआ है, राइट। उससे हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, कोई लोड हम सप्लाई नहीं कर रहे, वो सिर्फ स्टेप अप या फिर वो स्टेप डाउन करता है, ओके। तो यहाँ पर जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कहाँ होगी, नियर फुल लोड, राइट। क्योंकि वो फुल लोड पर ही ऑपरेट करता है, या तो वो ऑफ होगा, ऑफ रहेगा, या तो कभी अगर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट हो या फिर कहीं फॉल्ट आ गया हो तो हम उसको ऑफ कर देंगे, वो चलेगा। लेकिन जब वो ऑन होगा तो वो फुल लोड पे ऑन होगा, ठीक है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फॉर अ ट्रांसफॉर्मर ऑपरेटिंग एट कॉन्स्टेंट लोड करंट, यहां पर देखो कॉन्स्टेंट लोड करंट पर मैक्सिमम एफिशिएंसी कहाँ मिलेगा आपको, कॉन्स्टेंट लोड करंट है, वेरिएबल लोड करंट नहीं है। जब वेरिएबल लोड करंट हो या फिर वेरिएबल लोड हो, जहां पर लोड वेरी कर रहा हो वहां पर हम बोलते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें वहीं मिलेगी जिस लोड पर कॉपर लॉस आयरन लॉस के इक्वल हो। ये कंडीशन कब होती है, जब लोड वेरिएबल हो। लेकिन जब लोड वेरिएबल ना हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट लोड हो या फिर कांस्टेंट लोड करंट, ऐसा स्टेटमेंट अगर आपको दिया गया है तो मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको यूनिटी पावर फैक्टर पे मिलती है, ठीक है। सो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी, राइट। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6। 40 KVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज आयरन लॉस ऑफ 400 वॉट एंड फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ 600 वॉट। यहां पर आयरन लॉस गिवन है 400 वॉट एंड PCUFL फुल लोड कॉपर लॉस की वैल्यू कितनी है, 600 वॉट। इसने क्या पूछा है, मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर्स एट अ लोड ऑफ वॉट, किस लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। तो इसको फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मैक्सिमम एफिशिएंसी किस लोड पर मिलेगी, सो एस ईटा मैक्स। मैक्सिमम एफिशिएंसी पर जो एस की वैल्यू है वो कितनी होगी, फुल लोड पर जो रेटिंग है ट्रांसफार्मर का, यानी कि फुल लोड पर जो केवीए की वैल्यू है, इनटू क्या करेंगे, रूट ओवर ऑफ आयरन लॉस डिवाइडेड बाय फुल लोड पर कॉपर लॉस, ओके। ये SFL कितना है, फुल लोड पर रेटिंग कितनी है, फुल लोड पर केवीए की वैल्यू कितनी है, रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर कितना है, 40 KVA। तो लिखोगे 40 KVA इनटू रूट ओवर ऑफ आयरन लॉस कितना है, कितना है, 400 वॉट डिवाइडेड बाय फुल लोड कॉपर लॉस कितना है, 600 वॉट। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सो ये हो जाएगा 2/√6 हो जाएगा, ये 2/√6 इनटू 40 KVA, यानी कि 32.66। व्हाट इज दिस,
दिस इज 32.66 kVA। ओके, जब इतना लोड आप उसके ऊपर कनेक्ट करोगे उस टाइम पर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी, 32.66, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। फॉर अ ट्रांसफॉर्मर द ऑल डे एफिशिएंसी प्राइमरली डिपेंड्स ऑन व्हाट? ऑल डे एफिशिएंसी, ऑल डे एफिशिएंसी को हम एनर्जी एफिशिएंसी भी कहते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसको कैलकुलेट करते हैं, आउटपुट पावर नहीं लिखते, आउटपुट एनर्जी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं हम? आउटपुट एनर्जी या फिर किलो वॉट आर डिवाइडेड बाय आउटपुट एनर्जी, आउटपुट किलो वॉट आर प्लस यहां पर आयरन लॉस इनटू टाइम, क्योंकि हमें एनर्जी में कन्वर्ट करना, वॉट में नहीं रखना है इसको, एनर्जी में कन्वर्ट करना, प्लस कॉपर लॉस इनटू टाइम। टाइम से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो ये एनर्जी एफिशिएंसी है, पूरे एक दिन की एफिशिएंसी हम इसके थ्रू फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? एक तो अमाउंट ऑफ लोड, कितना लोड कनेक्टेड है ना, यानी कि लोड का पावर बता दो या फिर केवीए के साथ साथ आप पावर फैक्टर बता दो, तो ये हो गया अमाउंट ऑफ लोड। दूसरा क्या होगा? ड्यूरेशन ऑफ लोड, कि कितना लोड कितने टाइम के लिए कनेक्टेड है, ये बताना पड़ेगा, है ना? यानी कि टाइम तो जरूरी है, तभी तो आप एनर्जी को फाइंड आउट करोगे। ओके, तो इसमें अमाउंट ऑफ लोड की रिक्वायरमेंट है और ड्यूरेशन ऑफ लोड की रिक्वायरमेंट है, दोनों की रिक्वायरमेंट है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी में गिवन है बोथ ए एंड बी, सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एट फुल लोड द कॉपर लॉस एंड वेट, एट फुल लोड द कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस इन अ 100 kVA ट्रांसफॉर्मर इज ईच इक्वल टू 3 kW। यहां पर देखो, यहां पर आयरन लॉस कितना गिवन है? पी आई, आयरन लॉस इज 3 kW और कॉपर लॉस एट फुल लोड है। स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में लिख दिया एट फुल लोड, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? मैं यहां पर लिखूंगा कि फुल लोड कॉपर लॉस इज इक्वल टू वॉट, ये भी गिवन है 3 kW, राइट? उसके बाद क्या पूछता है, व्हाट इज द एफिशिएंसी एट अ लोड ऑफ 60 kVA 0.8 पावर फैक्टर? 60 kVA और 0.8 पावर फैक्टर पर एफिशिएंसी आप फाइंड आउट करिए। फुल लोड कितना है? 100 kVA, लेकिन लोड लगा हुआ कितना है? 60 kVA। तो जब फुल लोड पर कॉपर लॉस है 3 kW और लोड कनेक्टेड है ओनली 60 kVA, तो 60 kVA पर कॉपर लॉस कितना होगा? सबसे पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं। पी सी यू एट 60 kVA, 60 kVA पर कॉपर लॉस आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो कॉपर लॉस होता है वो केवीए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर जो केवीए है 100 kVA से डिक्रीज हुआ है, 60 हुआ है, तो 60 डिवाइडेड बाय 100 का करेंगे स्क्वायर इनटू, यहाँ पर हम देंगे फुल लोड कॉपर लॉस, राइट? 60 बाय 100, इट मीन्स वॉट? दिस इज 0.6, तो 0.6 का करेंगे स्क्वायर इनटू PCUFL है 3 kW। आफ्टर कैलकुलेशन हमें क्या मिलेगा? 0.36 इनटू 3, 0.36 इनटू 3 करेंगे तो 1.08, दिस इज 1.08 kW। ये जो है, ये है कॉपर लॉस, जो लोड आपने कनेक्ट किया है उस लोड पर कॉपर लॉस इतना होगा, लेकिन आयरन लॉस तो सेम होगा। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आयरन लॉस डिपेंड नहीं करता है कि आप कितना लोड कनेक्ट कर रहे हो, चाहे ट्रांसफॉर्मर पे आप फुल लोड लगाओ या फिर हाफ लोड लगाओ, 1/4 लोड लगाओ, या फिर आप उसमें कोई लोड मत लगाओ, नो लोड पे छोड़ दो, फिर भी जो उसमें आयरन लॉस होगा वो हमारा सेम होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि 3 kW ही होगा। आयरन लॉस पता है 3 kW, कॉपर लॉस पता है 1.08 kW, एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लो। एफिशिएंसी इज इक्वल टू, लोड कितना है? 60 kVA, तो मैं क्या लिखूंगा? 60
kVA into power factor, which is 0.8 divided by 60 into what, 0.8 plus iron loss. Iron loss कितना है? 3 kilowatt plus copper loss 1.08. इसको आप calculate कर लीजिए. Last में यदि आप 100 से multiply कर दोगे तो आपको percentage में मिल जाएगा. 60 into 0.8 ये हो जाएगा 48. It means यहाँ पर मैं लिखूँगा 48 divided by 48 plus 4.08 नहीं plus 4.08 यानी कि 52 point. This is 52.08 इनटू कर देंगे 100. 92.16 आया है. What is this? This is 92.16%. ये है एफिशिएंसी. ओके, ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी में ऐसा गिवन है. सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. देखिए, अ 10 केवीए 2500 बाय 250 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज द फॉलोइंग रिजल्ट्स. यहां पर ओपन सर्किट टेस्ट किया गया है और शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया गया है. उसका डेटा हमारे पास अवेलेबल है, राइट. उसके बाद हमसे पूछा क्या है कि देन एफिशिएंसी एट हाफ फुल लोड, हाफ ऑफ फुल लोड यहां पर होगा, हाफ ऑफ फुल लोड एट 0.8 पावर फैक्टर विल बी व्हाट. ठीक है, तो हाफ ऑफ फुल लोड पे पहले तो आप ये देख लो कि इसमें आयरन लॉस कितना होगा, कॉपर लॉस कितना होगा, ये पहले देख लो आप, राइट. देखो, ओपन सर्किट टेस्ट से हमें क्या मिलता है? आयरन लॉस मिलता है. यहां पर ओपन सर्किट टेस्ट किया गया है जिसमें वॉट कितना है, वॉट मीटर की रीडिंग कितनी है, 50 वॉट. तो ये जो 50 वॉट होगा वो क्या होगा, आयरन लॉस होगा. तो यहां से मैं लिखूंगा कि आयरन लॉस इज इक्वल टू 50 वॉट. ओपन सर्किट टेस्ट का जो वॉट मीटर की जो रीडिंग होगी वो क्या देगा हमें, आयरन लॉस देगा. तो वॉट मीटर की रीडिंग हमें दे रहा है 50 वॉट, यानी कि आयरन लॉस होगा 50 वॉट. अब देखो, शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया गया है. अब ये आपको चेक करना होगा कि जब हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया है तो वाइंडिंग में क्या फुल लोड करंट फ्लो कर रहा था या फिर नहीं कर रहा था. अगर वाइंडिंग में फुल लोड करंट फ्लो कर रहा था, यानी कि जो एम्पियर जो रीड कर रहा है, एम्पियर का जो रीडिंग है वो अगर फुल लोड करंट है, तब जो वाट मीटर की रीडिंग होगी वो फुल लोड कॉपर लॉस होगा. ठीक है, लेकिन अगर एमीटर की रीडिंग फुल लोड करंट नहीं है, तब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वॉट मीटर की रीडिंग होगी वो भी फुल लोड कॉपर लॉस नहीं होगी. ठीक है, सो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया गया, इसमें यहाँ पर लिखा है एमीटर की रीडिंग 3 एम्पियर. तो हमें ये चेक करना होगा कि जो 3 एम्पियर करंट है क्या वो रेटेड करंट है, ये हमें चेक करना होगा. तो देखिए, चेक कैसे करेंगे, 10 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है और इसका हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज कितना है, 2500. तो यहाँ से हम चेक कर लेंगे कि करंट कितना होगा, है ना, रेटेड करंट आई एच वी. एच वी साइड का जो रेटेड करंट है, क्योंकि जो हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट है उसको हम एच वी साइड करते हैं, इसलिए मैंने लिखा है आई एच वी. एच वी साइड का हमें करंट फाइंड आउट करना है. देखिए, आई एच वी क्या हो जाएगा, जो केवीए रेटिंग है यानी कि 10 केवीए डिवाइडेड बाय वोल्टेज, राइट. वोल्टेज कितना है, 2500. इसको आप कैलकुलेट करिए तो 10 टू द पावर हो जाएगा टोटल 4, और डिवाइड हम करेंगे 2500 से, यानी कि 4 आएगा. यानी कि एच वी साइड का जो रेटेड करंट है वो है 4 एम्पियर. लेकिन जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर रहे थे तो उस टाइम पर एमीटर की रीडिंग 4 एम्पियर नहीं थी, 3 एम्पियर है. तो 3 एम्पियर के अकॉर्डिंग आपको मिला है 45 वॉट. यहाँ जो 45 वॉट मिला है वो किसके अकॉर्डिंग मिला है, 3 एम्पियर फ्लो करवाने पर मिला है. तो 45 वॉट ये हमारा फुल लोड कॉपर लॉस नहीं हो सकता, है ना. तो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे कि जो कॉपर लॉस होता है उसको हम कैसे लिखेंगे, कॉपर लॉस इज इक्वल टू एच वी साइड का करंट का स्क्वायर इनटू आर इक्विवेलेंट, राइट. कॉपर लॉस यहाँ पर जो गिवन है वो है 45 इज इक्वल टू करंट कितना गिवन है, 3 एम्पियर, दिस स्क्वायर इनटू आर इक्विवेलेंट. तो यहाँ से आप आर इक्विवेलेंट को फाइंड आउट कर लो. आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर यानी कि 9. 45 डिवाइडेड बाय 9 इज, इट मींस 5 ओम. आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको मिल गई 5 ओम. ठीक है, लेकिन एच वी साइड में जो रेटेड करंट है वो कितना है, 4 एम्पियर. तो 4 एम्पियर के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉपर लॉस कितना होगा,
ये जो कॉपर लॉस होगा ये कहलाएगा फुल लोड कॉपर लॉस। क्यों? क्योंकि जो 4 एम्पीयर का करंट है ये है फुल लोड करंट या फिर रेटेड करंट, दिस इज फुल लोड करंट। तो फुल लोड करंट पर जो पावर लॉस होगा वही तो कहलाएगा फुल लोड कॉपर लॉस। इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एच वी साइड का करंट का स्क्वायर, यानी कि फुल लोड करंट स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट, राइट? दिस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट, अभी हमने फाइंड आउट किया था 5, कितना हो जाएगा ये 16 इंटू 5, 80 वॉट। देखो फुल लोड कॉपर लॉस यहां पर आपको मिला है 80 वॉट, राइट? मैं यहां पर लिख दूंगा कि आयरन लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इज कितना, 50 वॉट। फुल लोड ऑफ ट्रांसफार्मर, फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इज 80 वॉट, लेकिन आपको एफिशिएंसी फाइंड आउट कहाँ करना है? हाफ ऑफ फुल लोड पर। तो हाफ ऑफ फुल लोड पर कॉपर लॉस कितना होगा? पी सी यू हाफ। हाफ ऑफ फुल लोड पे जो कॉपर लॉस होगा, फुल लोड कॉपर लॉस डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 80 बाय 4, इट मीन्स वॉट, 20 वॉट। फुल लोड कॉपर लॉस हो जाएगा 20 वॉट। तो अब आप एफिशिएंसी को फाइंड आउट कर लो। एफिशिएंसी इज इक्वल टू हाफ लोड पर केवीए कितना होगा? फुल लोड केवीए, यानी कि जो रेटेड केवीए है ट्रांसफार्मर का वो कितना है? 10 केवीए। तो हाफ ऑफ फुल लोड पर कितना हो जाएगा? 5 केवीए इंटू 5 केवीए को मैं यहाँ पर 5000 लिख रहा हूँ, ठीक है? तो जब मैं इसको 5000 लिख रहा हूँ तो जो जो हमारा पावर लॉस हुआ है उसको मैं वॉट में लिखूंगा, किलो वॉट में नहीं लिखूंगा, ठीक है? तो 5000 मैंने यहाँ पर लिखा है इंटू पावर फैक्टर। पावर फैक्टर की वैल्यू के मैंने 0.8, तो इनटू कर देंगे यहाँ पर 0.8 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 0.8 प्लस आयरन लॉस। आयरन लॉस में पावर कितना है? 50 वॉट। प्लस कॉपर लॉस कितना आया था? 20 वॉट। इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, 4000 ना, 4000 डिवाइडेड बाय 4000, ये हो जाएगा 70। इनटू कर देंगे 100 तो हमें परसेंटेज में एफिशिएंसी मिल जाएगा, 4000 डिवाइडेड बाय 4000 70, 98.28। दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू 98.28%, 98.28%। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन यहां पर 98.28 ये है। दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? चलो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इफ पी वन एंड पी टू बी द आयरन एंड कॉपर लॉसेस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर एट फुल लोड एंड द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज एट 75% ऑफ द फुल लोड, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ पी वन एंड पी टू? पी वन और पी टू आयरन लॉस और कॉपर लॉस है रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर एट फुल लोड। मैं यहां पर लिखूंगा कि पी वन ये क्या है, दिस इज इक्वल टू आयरन लॉस, और जो पी टू है ये क्या है, ये है फुल लोड पर कॉपर लॉस, यानी कि पी सी यू एफ एल, ये है। अब इसने कहा क्या है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी जो ट्रांसफॉर्मर का है वो कहां पर है? 75% ऑफ फुल लोड पर है ना, 75% ऑफ फुल लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस लोड पर होता है, उसका जो फॉर्मूला है एस ईटा मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, जो फुल लोड है, फुल लोड केवीए इन टू रूट ओवर, हम रूट ओवर क्या करते हैं यहाँ पर, रूट ओवर करते हैं आयरन लॉस डिवाइडेड बाय फुल लोड कॉपर लॉस, ऐसा करते हैं, राइट? और ये जो मैक्सिमम एफिशिएंसी का केवीए है, इसने क्या कहा है कि द ट्रांसफॉर्मर इज एट 75% ऑफ फुल लोड, यानी कि यदि मैं इस एस एफ एल को लेफ्ट हैंड साइड लाके डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड यदि मैं इसको डिवाइड कर दूं तो मैं यहां पर लिखूंगा कि एस ईटा मैक्स डिवाइडेड बाय एस एफ एल, यानी कि जो फुल लोड का कितना परसेंट लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल रही है, इसकी वैल्यू एस ईटा मैक्स डिवाइडेड बाय एस एफ एल, इसकी वैल्यू के बने 75%। इज इट ओके और नॉट? इसकी वैल्यू गिवन है 75%, इट मीन्स 0.75। सो दिस इज इक्वल टू आप लिखोगे 0.75, और दिस इज इक्वल टू क्या है, रूट ओवर ऑफ पी आई अपॉन पी सी यू एफ एल। पी आई आप किसको लिखोगे? पी वन को। पी सी यू एफ एल किसको लिखोगे? पी टू को। तो आप क्या लिखोगे? रूट ओवर पी वन अपॉन पी टू। इसको सॉल्व कर लीजिए।
राइट, यहां पर 0.75 को आप कैसे लिख सकते हो, 0.75 को आप लिख सकते हो 3/4, है ना। यहां से मैं इसको रिपीट करता हूं, 0.75 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ P1 अपॉन P2। 0.75 को मैं लिखूंगा 3/4 इज इक्वल टू रूट ओवर P1 अपॉन P2। आपको P1 अपॉन P2 का रेशियो चाहिए, तो P1 अपॉन P2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, है ना, 3/4 का स्क्वायर, इट मीन्स व्हाट, 9/16, 9/16 हो जाएगा P1 अपॉन P2 का रेशियो, ठीक है। सो 9/16 इट मीन्स ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इफ P1 एंड P2 बी द आयरन एंड कॉपर लॉसेस ऑफ अ ट्रांसफार्मर ऑन फुल लोड, अगेन सेम तरह का क्वेश्चन है, देन द रेशियो ऑफ P1 एंड P2 सच दैट मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर्स एट 25% ऑफ फुल लोड। अब यहाँ पर सिर्फ इसने डेटा को चेंज किया है कि 25% ऑफ फुल लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एस ईटा मैक्स इज इक्वल टू एस एफ एल इंटू रूट ओवर ऑफ आयरन लॉस अपॉन कॉपर लॉस। आयरन लॉस क्या है, P1, फुल लोड कॉपर लॉस क्या है, P2, राइट। यहां से मैं लिखूंगा कि एस ईटा मैक्स डिवाइडेड बाय एस एफ एल इज इक्वल टू रूट ओवर P1 अपॉन P2, राइट। और एस ईटा मैक्स अपॉन एस एफ एल, इसकी वैल्यू गिवन है कितनी, 25%, इट मीन्स 0.25, दिस इज 0.25, 0.25 को मैं 1/4 भी लिख सकता हूँ, राइट। सो मैं यहां से लिखूंगा 1/4 इज इक्वल टू रूट ओवर P1 अपॉन P2। यहां से दोनों साइड करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर करने से हमें मिलेगा 1/4 का स्क्वायर, इट मीन्स 1/16 इज इक्वल टू व्हाट, P1 अपॉन P2। तो P1 अपॉन P2 की क्या वैल्यू मिली है, 1/16। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी में ऐसा कि मैंने, सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द सेम ट्रांसफॉर्मर हैव हाइएस्ट एफिशिएंसी, इसमें सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी होगी, हाइएस्ट एफिशिएंसी किसकी होगी। यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना है कि तीन जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बी सी, इन तीनों में लोड कैसा है, रेटेड लोड है, सप्लाइंग रेटेड लोड, सप्लाइंग रेटेड लोड, सप्लाइंग रेटेड लोड। मैंने प्रीवियस किसी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जब लोड वेरिएबल ना हो, लोड जब कांस्टेंट हो, तो वैसे केस में मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको कहाँ मिलती है, यूनिटी पावर फैक्टर के लोड पर मिलती है। हाँ, लेकिन लोड अगर वेरिएबल हो, तब वैसे केस में जो कंडीशन होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी की, वो ये होता है कि वैसा लोड जिसपे कि कॉपर लॉस और आयरन लॉस सेम हो जाए, उसी लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलता है, ठीक है। ये केस होता है तब जब लोड वेरिएबल हो। यहां पर देखो, तीनों ऑप्शन में सेम लोड है, रेटेड लोड है ना, तीनों ऑप्शन में लोड सेम है। तो जब लोड सेम है, आप सिर्फ और सिर्फ पावर फैक्टर को वेरी कराते हो, तो सिर्फ और सिर्फ यूनिटी पावर फैक्टर पे आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी, राइट। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी, इसमें गिवन है एट यूनिटी पावर फैक्टर, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए आप दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो कि आप सपोज एक एग्जांपल ले लो, सपोज आप एक एग्जांपल ऐसा ले लो, एग्जांपल आप इसका ऐसा ले लो कि एस जो रेटिंग है ट्रांसफार्मर के, इसको आप एज्यूम कर लो कि 10 KVA, 10 KVA का ट्रांसफार्मर है, और आप यहाँ पर एज्यूम कर लो कि जो आयरन लॉस है, आयरन लॉस इज इक्वल टू आप एज्यूम कर लो कि 500 वॉट, यानी कि 0.5 किलोवाट, 0.5 किलोवाट इसका आयरन लॉस है, और कॉपर लॉस भी आप एज्यूम कर लो कि कॉपर लॉस इज इक्वल टू आप एज्यूम कर लो यहाँ पर फुल लोड कॉपर लॉस ना, हाँ फुल लोड कॉपर लॉस यहाँ पर आप एज्यूम कर लो कि फुल लोड कॉपर लॉस हो जाएगा 1 किलोवाट, सपोज 1 किलोवाट आप यहाँ पर एज्यूम कर लो,
ठीक है, ये तीनों डेटा आपने एज्यूम कर लेना है। उसके बाद जो डिफरेंट पावर फैक्टर है उस पर आप एफिशिएंसी कैलकुलेट करके देख लो, आपको नज़र आ जाएगा कि यूनिटी पावर फैक्टर पर जो आपको एफिशिएंसी की वैल्यू मिलेगी वही सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इफ पीसी एंड पीएससी रिप्रेजेंट कोर एंड फुल लोड कॉपर लॉसेस रेस्पेक्टिवली, देन मैक्सिमम केवीए डेलीवर्ड टू द लोड कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी इज इक्वल टू रेटेड केवीए मल्टीप्लाइड बाय व्हाट। इस तरीके का क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, है ना, मैंने बताया है आपको। इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला आपसे पूछा है, क्या पूछा है, पीसी है कोर लॉस यानी कि आयरन लॉस, पीएससी क्या है, फुल लोड कॉपर लॉस है। तो मैक्सिमम केवीए डेलीवर्ड यानी कि मैक्सिमम केवीए डेलीवर्ड टू द लोड कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी किस लोड पर मिलता है, एस ईटा मैक्स किस लोड पर मिलता है, ये होता है फुल लोड का केवीए इनटू रूट ओवर ऑफ आयरन लॉस यानी कि पीसी डिवाइडेड बाय फुल लोड कॉपर लॉस यानी कि पीएससी। यही आपसे पूछा है कि इज इक्वल टू रेटेड केवीए मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, ये क्या है, एसएफएल, यही तो है रेटेड केवीए, व्हाट इज दिस रेटेड केवीए। तो रेटेड केवीए में आप क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये रूट ओवर पीसी अपॉन पीएससी, यही तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। ओके, तो रूट ओवर पीसी अपॉन पीएससी यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी, राइट, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इन अ ट्रांसफॉर्मर इफ आयरन लॉसेस एंड कॉपर लॉसेस आर 32.8 किलोवाट एंड 50 किलोवाट रेस्पेक्टिवली, आयरन लॉस भी गिवन है, फुल लोड कॉपर लॉस भी गिवन है, नहीं, फुल लोड नहीं लिखा है ना, अच्छा फुल लोड कॉपर लॉस इसने नहीं लिखा है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया होगा, मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इसको आप लिख लो फुल लोड, टाइप करने में इसमें मिस्टेक हो गया होगा, फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, आयरन लॉस गिवन है, लिख ही देता हूं एक साथ, आयरन लॉस गिवन है 32.8 किलोवाट और फुल लोड कॉपर लॉस यानी कि PCUFL इसकी वैल्यू कितनी है, 50 किलोवाट। अब इसने क्या पूछा है, देन एट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लोड विल द एफिशिएंसी बी मैक्सिमम, कितने फ्रैक्शन ऑफ लोड पर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। तो सेम क्वेश्चन है, कितने फ्रैक्शन पर मिलेगी, रूट ओवर व्हाट, आयरन लॉस डिवाइडेड बाय फुल लोड कॉपर लॉस। ओके, रूट ओवर ऑफ 32.8 डिवाइडेड बाय 50, कैलकुलेट कर लीजिए, 32.8 डिवाइडेड बाय 50 यदि मैं करता हूँ, 0.656, इसका यदि मैं रूट करूँ तो ये हो जाएगा 0.81, व्हाट इज दिस, दिस इज 0.81 यानी कि 81% ऑफ फुल लोड पर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, तो 0.81 ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए में ऐसा गिवन है 0.81, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 2 KVA ट्रांसफॉर्मर हैज आयरन लॉस 100 वॉट, फुल लोड कॉपर लॉस 200 वॉट, द मैक्सिमम एफिशिएंसी एट यूनिटी पावर फैक्टर विल बी व्हाट, ये भी मैक्सिमम एफिशिएंसी आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो देखिए यहाँ पर आपको आयरन लॉस दिया है, आयरन लॉस कितना दिया है 100 वॉट, और फुल लोड पर कॉपर लॉस है PCUFL, फुल लोड पर कॉपर लॉस कितना है 200 वॉट। अब आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी पर फुल लोड कॉपर लॉस, सॉरी कॉपर लॉस और आयरन लॉस ये दोनों होंगे सेम, आयरन लॉस तो चेंज नहीं होगा, तो जो हमारा कॉपर लॉस है उसको 100 वॉट होना पड़ेगा। ठीक है, सो एट ईटा मैक्स मैक्सिमम एफिशिएंसी पर क्या होगा, आयरन लॉस तो 100 वॉट ही होगा लेकिन कॉपर लॉस को 100 वॉट होना पड़ेगा, 200 से क्या होना पड़ेगा, 100 होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से हमने लॉसेस तो लिख लिए कि आयरन लॉस कितना होगा, कॉपर लॉस कितना होगा, राइट, लेकिन केवीए कितनी होगी, लोड का केवीए कितना होगा सो दैट हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले, तो वहां से, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एस ईटा मैक्स को फाइंड आउट करना होगा।
एस ईटा मैक्स। ये क्या होगा? ये होगा फुल लोड का केवीए इनटू रूट ओवर ऑफ आयरन लॉस डिवाइडेड बाय फुल लोड कॉपर लॉस, राइट। एस एफ एल क्या है? फुल लोड पे जो केवीए है, रेटेड केवीए ट्रांसफार्मर का, वो क्या है? 2 केवीए है ना, दिस इज 2 केवीए इनटू रूट ओवर ऑफ आयरन लॉस। आयरन लॉस कितना है? 100 वॉट डिवाइडेड बाय फुल लोड कॉपर लॉस कितना है? 200। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1/√2 इनटू 2, ये हो जाएगा √2 है ना, √2 केवीए, यानी कि 1.414 केवीए। तो इस केवीए पर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलने वाली है ना। तो आप मैक्सिमम एफिशिएंसी को फाइंड आउट कर लो, ईटा मैक्स, मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम एफिशिएंसी पर केवीए इनटू पावर फैक्टर कॉस फाई डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एफिशिएंसी पर केवीए इनटू पावर फैक्टर प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, या फिर आप 2 टाइम्स ऑफ आयरन लॉस भी लिख दो, क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी है तो कॉपर लॉस आयरन लॉस दोनों सेम होंगे। यहां पर मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ PI, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ PI। सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। एस ईटा मैक्स क्या है? 1.414 केवीए इनटू पावर फैक्टर, ये क्या है? एट यूनिटी पावर फैक्टर गिवन है तो 1 डिवाइडेड बाय 1.414 इनटू 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ PI। अब जो PI है वो है 100 वॉट, जो आयरन लॉस है वो कितना है? 100 वॉट। तो ये 2 टाइम्स ऑफ 100 क्या हो जाएगा? 200 वॉट। अब देखो यहाँ पर मैं सारी वैल्यूज को किलो में लिख रहा हूँ है ना, जो मैंने ऊपर में लिखा है वो केवीए में है, 1.414 वो केवीए है, उसको मैंने 1.414 ही लिखा है, इंटू 10^3 हमने नहीं दिया है, राइट। वो इसलिए नहीं दिया है क्योंकि हम अंडरस्टूड, हम लेके चल रहे हैं कि सारी वैल्यूज को मुझे किलो में लिखना है। तो जो लॉसेस हुए हैं PI, वो क्या है? वो वॉट में है, तो उसको भी हमें किलो वॉट में लिखना होगा। तो क्या हो जाएगा? 2 PI की वैल्यू है 200 वॉट है ना, 200 वॉट। तो 200 वॉट को आप किलो वॉट में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 0.2, ठीक है। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको परसेंटेज में वैल्यू मिल जाएगी, 1.414 डिवाइडेड बाय 1.414 प्लस 0.2, यानी कि 1.614, ये हो जाएगा 87.608%, 87.608%, राइट। 87.608 यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अ 40 KVA सिंगल फेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज अ फुल लोड सेकेंडरी करंट ऑफ 200 एम्पियर। ध्यान से स्टेटमेंट को रीड करना, फुल लोड पर सेकेंडरी का करंट है 200 एम्पियर, ओके। इफेक्टिव रेसिस्टेंस यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी साइड इज 0.008 ओम, यानी कि यहां से मैं कहूंगा कि I2 फुल लोड ना, तो I2 FL फुल लोड पे I2 करंट की वैल्यू गिवन है 200 एम्पियर, और R इक्विवेलेंट रेफर टू सेकेंडरी साइड, R इक्विवेलेंट टू इसकी वैल्यू कितनी है? 0.008 ओम। तो यहां से तो आप फुल लोड पर कॉपर लॉस फाइंड आउट कर सकते हो है ना। PCUFL फुल लोड कॉपर लॉस क्या लिखोगे? सेकेंडरी साइड का जो रेटेड करंट है उसका स्क्वायर इनटू सेकेंडरी साइड रेफर किया हुआ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर इनटू 0.008, कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको फुल लोड कॉपर लॉस मिल जाएगा 0.008, 320 वॉट, 320 वॉट, 320 वॉट का पावर लॉस होगा फुल लोड पर। उसके बाद स्टेटमेंट को पढ़िए, एंड द आयरन लॉस ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज 190 वॉट। तो यहां से मैं PI लिख देता हूं, 190 वॉट आयरन लॉस। अब इसने क्या कहा? एफिशिएंसी ऑफ ऑफ द ट्रांसफॉर्मर एट 3/4 ऑफ फुल लोड, यानी कि हमें 3/4 ऑफ फुल लोड पर कॉपर लॉस फाइंड आउट करना होगा, राइट, एंड यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? PCUFL से हमें 3/4 लोड पर कॉपर लॉस फाइंड आउट करना है। PCU कहाँ पर? 3/4 पर, 3/4 ऑफ फुल लोड पर। क्या करोगे? 3/4 का स्क्वायर करोगे इनटू PCUFL करोगे, राइट।
सो 3/4 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, दिस इज 9/16 इनटू PCUFL कितना है 320। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 20 टाइम्स, तो 9 इंटू 20 यानी कि 180 वॉट। यहाँ से हमें कॉपर लॉस मिला है, PCU हमें मिल चुका है 180 वॉट, और आयरन लॉस तो चेंज नहीं होगा, आयरन लॉस हमें है, हमें दिया गया है 190 वॉट। ये अब आपको क्या करना है, यूनिटी पावर फैक्टर पर एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लीजिए। सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू, ध्यान रखना 3/4 ऑफ फुल लोड है, तो 3/4 ऑफ फुल लोड पर केवीए की वैल्यू कितनी होगी, 40 है फुल लोड पर, तो 40 × 3/4 ये हो जाएगा केवीए इंटू पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है, 1 यूनिटी पावर फैक्टर है, डिवाइडेड बाय 40 × 3/4 इंटू पावर फैक्टर 1 प्लस आयरन लॉस। आयरन लॉस कितना है, आयरन लॉस फिर से यहाँ पर देखो, मैंने 40 KVA को 40,000 नहीं लिखा है, 40 × 10^2 हमने नहीं लिखा है, सिर्फ हमने 40 लिखा है, राइट, यानी कि मैं उसको अंडरस्टूड लेके चल रहा हूँ कि 40 हमने लिखा है, इट मीन्स वो 40 किलो है, ठीक है। तो इसलिए जो आप आयरन लॉस और कॉपर लॉस लिखोगे उसको भी आप किलो में लिखोगे। आयरन लॉस कितना है, 190 वॉट है, तो इसको आप क्या लिखोगे, 0.19 ये हो जाएगा किलो। प्लस कॉपर लॉस है 180 वॉट, तो इसको आप लिखोगे 0.18 किलो, ठीक है, इनटू कर दो आप 100, तो परसेंटेज में एफिशिएंसी मिल जाएगी। इज इक्वल टू कैलकुलेट कर लीजिए, 40 × 3/4 ये हो जाएगा 30, राइट, 30 डिवाइडेड बाय 30.37, राइट, 30 डिवाइडेड बाय 30.37 98.78, दिस इज 98.78%, 98.78, इट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अ सिंगल फेज 150 KVA ट्रांसफार्मर हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 96% एट फुल लोड ऑन 0.8 पावर फैक्टर। सिर्फ एफिशिएंसी लिखा है, मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं लिखा है, सिर्फ एफिशिएंसी है, 96% है, 0.8 पावर फैक्टर पर है, ठीक है, ओके। इट इज फाउंड दैट द सेम एफिशिएंसी यानी कि 96% इज अचीव्ड ऑन द हाफ लोड 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। फुल लोड पर भी है और हाफ लोड पर भी सेम एफिशिएंसी है। द कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस इन किलो वॉट अंडर द फुल लोड ऑपरेशन रेस्पेक्टिवली आर वॉट। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं इसको। देखो एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होगा, एस इंटू पावर फैक्टर कॉस फाइ डिवाइडेड बाय एस इंटू कॉस फाइ प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, राइट। एफिशिएंसी यहां पर गिवन है 96%, यानी कि मैं यहां पर लिखूंगा 0.96 इज इक्वल टू। अब देखो एस इंटू कॉस फाइव, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, फर्स्ट लाइन को आप रीड करो, उसने क्या कहा है कि 96% एफिशिएंसी कहां पर है, फुल लोड पर है, फुल लोड में एस की वैल्यू कितनी होगी, 150 KVA, राइट, तो यहां पर मैं लिखूंगा 150 इंटू कॉस फाइव, कॉस फाइव की वैल्यू कितनी है, 0.8, तो 150 × 0.8 डिवाइडेड बाय 150 × 0.8 प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, तो मैं इसको लिख देता हूँ PI प्लस, अब जो कॉपर लॉस होगा वो कौन सा कॉपर लॉस होगा, फुल लोड पर कॉपर लॉस होगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा PCUFL, है ना, क्योंकि एफिशिएंसी हम फुल लोड पर कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखोगे 150 × 0.8 कितना हो जाएगा, 120, इसको आप लिखोगे 0.96 इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 120 प्लस PI प्लस PCUFL, ऐसे हमने इसको लिख लिया। अब आप इसको ऐसे लिख लो कि 120 प्लस PI प्लस PCUFL इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय व्हाट, 0.96, राइट, कैलकुलेट कर लीजिए, दिस डिवाइडेड बाय 0.96 इट मींस 125, दिस इज इक्वल टू 125, राइट। तो यहां से आप लिखोगे कि PI प्लस PCUFL इज इक्वल टू 125 माइनस 120 यानी कि ये हो जाएगा 5,
5 किलो वॉट। अंडरस्टूड है कि सारे वैल्यूज मैं किलो में लिख के चल रहा हूँ, राइट। तो पी आई प्लस पी सी यू एफ एल हमें मिला है 5 किलो वॉट, राइट। देखो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें जो आयरन लॉस और फुल लोड कॉपर लॉस गिवन है उसको जब आप ऐड करोगे ना, तो ऐड करने के बाद सारे ऑप्शन में 5 ही आ रहे हैं, तो यहाँ से आप एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, यानी कि आपको पूरा का पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर एग्जाम में आपको ऐसा देखने को मिलता है कि कोई एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आयरन लॉस और फुल लोड कॉपर लॉस को ऐड करते हैं तो 5 आ जाता है, तो फिर आपको नेक्स्ट जो फर्दर कैलकुलेशन है उसको करने की कोई नीड नहीं होगी और फिर डायरेक्ट आप ऑप्शन को मार्क कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना होगा। सो अब नेक्स्ट इसका देखिए ऑपरेशन, नेक्स्ट इसका कहाँ हुआ है, हाफ लोड पे, है ना, हाफ लोड। इसने ये भी कहा है कि सेम एफिशिएंसी है कहाँ पर, हाफ लोड 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पर। सो एफिशिएंसी है 0.96, एफिशिएंसी सेम है हाफ लोड पर। केवीए फुल लोड कितना है 150, हाफ लोड पर कितना होगा 75, है ना, 150/2 यानी कि 75। पावर फैक्टर कितना है 0.8 डिवाइडेड बाय 75 इंटू वॉट 0.8 प्लस आयरन लॉस और प्लस कॉपर लॉस। यहां पर अब हमें कॉपर लॉस को फाइंड आउट करना होगा एट हाफ लोड। हाफ लोड पे कॉपर लॉस क्या होगा, फुल लोड कॉपर लॉस का 1/4, राइट। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि पी सी यू एफ एल बाई 4 लिख सकते हैं ना, या फिर मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या 0.25 टाइम्स ऑफ पी सी यू एफ एल, ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 0.96 इज इक्वल टू 75 इंटू 0.8 कितना होगा, ये हो जाएगा 60। तो 60 डिवाइडेड बाय 60 प्लस पी आई प्लस 0.25 पी सी यू एफ एल, ओके। इसको आप कैलकुलेट करिए तो यहां से आप लिखोगे कि पी आई प्लस 0.25 पी सी यू एफ एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 0.96 और माइनस में इधर हो जाएगा 62.5 माइनस करेंगे 60 तो ये हो जाएगा 2.5। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 2.5 किलो वॉट, ये आपको मिला है। पी आई प्लस 0.25 पी सी यू एफ एल इज इक्वल टू 2.5 किलो वॉट। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, सॉरी दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है और एक दूसरा इक्वेशन ये है। दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपको आयरन लॉस और फुल लोड कॉपर लॉस मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप राइट इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। देखो वेट वेट, अब आप देखिए यहां पर हमें दो इक्वेशन मिला था, एक इक्वेशन था पी आई प्लस पी सी यू एफ एल इज इक्वल टू 5 किलोवाट, दूसरा इक्वेशन था पी आई प्लस 0.25 टाइम्स ऑफ पी सी यू एफ एल इज इक्वल टू 2.5 किलोवाट। दोनों को यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं दोनों इक्वेशन को तो हमें क्या मिलेगा, माइनस माइनस माइनस, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। पी सी यू एफ एल माइनस 0.25 पी सी यू एफ एल, इट मीन्स ये हो जाएगा 0.75 टाइम्स ऑफ पी सी यू एफ एल। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 माइनस 2.5 यानी कि 2.5 किलो वॉट। तो यहाँ से आप पी सी यू एफ एल को फाइंड आउट कर लो, फुल लोड कॉपर लॉस कितना होगा, 2.5 डिवाइडेड बाय 0.75 किलो वॉट, कैलकुलेट कर लीजिए, 0.75 से डिवाइड करना है, इट मीन्स ये हो जाएगा 3.33, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3.33 किलो वॉट। ये क्या है, फुल लोड पर कॉपर लॉस। अब आपको ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 में पी सी यू एफ एल की वैल्यू को पुट कर दो तो आपको पी आई की वैल्यू मिल जाएगी, आयरन लॉस ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3.33 किलो वॉट, 10 किलो वॉट, कितना हो जाएगा, 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 1.667 ठीक है।
1.67 किलोवाट। ऑप्शन देख लीजिए, सो 3.33 एंड 1.67 यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके चलिए नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अ 50 केवीए ट्रांसफॉर्मर हैज अ कोर लॉस ऑफ 500 वॉट एंड फुल लोड कॉपर लॉस 900 वॉट। द लोड एट विच एफिशिएंसी इज मैक्सिमम इज वॉट। किस लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी उस लोड को फाइंड आउट करना है, यानी कि एस ईटा मैक्स इज इक्वल टू वॉट फुल लोड एस एफ एल इन टू रूट ओवर ऑफ आयरन लॉस डिवाइडेड बाय पी सी यू एफ एल। देख रहे हो कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है कितनी बार रिपीट हुआ है, डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप उस तरीके के जो क्वेश्चन हैं उस पर ज़्यादा फोकस करोगे। एस एफ एल कितना है, 50 के वी है इन टू रूट ओवर ऑफ आयरन लॉस कितना है 500 वॉट डिवाइडेड बाय फुल लोड कॉपर लॉस कितना है 900। कैलकुलेट कर लीजिए, रूट ओवर 5/9 इंटू 50 37.267 के वी। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी में ऐसा गिवन है, सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज नो लोड लॉस ऑफ 64 वॉट। नो लोड लॉस मींस व्हाट, आयरन लॉस पी आई इज इक्वल टू 64 वॉट एज ऑब्टेन फ्रॉम ओपन सर्किट टेस्ट। ओके, when a short circuit test is performed on it with 90% of rated currents flowing in its both LV and HV windings, the measured loss is 81 watt। जो 90% of rated current जब हम flow करवाते हैं short circuit test में, तब हमें loss मिलता है 81 watt। तो ये जो 81 watt है वो क्या है, वो full load copper loss नहीं है, 90% of full load पर जो copper loss है वो है। तो सबसे पहले हम फुल लोड कॉपर लॉस को फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे, उसको फाइंड आउट करने के लिए ऐसे करेंगे कि देखिए 90% ऑफ फुल लोड या फिर 90% ऑफ रेटेड करंट कितना होगा, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 0.9 टाइम्स ऑफ आई एफ एल 0.9 टाइम्स ऑफ आई एफ एल है ना। यदि इतना करंट हम फ्लो करवाते हैं तो दिस स्क्वायर इन टू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पावर लॉस, और इसकी वैल्यू गिवन है कितनी, 81 वॉट। यहां से मैं लिख सकता हूं 0.9 का स्क्वायर यानी कि 0.81 टाइम्स ऑफ आई एफ एल स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 81 वॉट। सो यहां से मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं, ये क्या है, आई एफ एल स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट, यही तो कहलाएगा फुल लोड कॉपर लॉस पी सी यू एफ एल। सो 0.81 टाइम्स ऑफ पी सी यू एफ एल इज इक्वल टू वॉट, 81 वॉट। राइट, सो वॉट अबाउट द पी सी यू एफ एल, पी सी यू एफ एल इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाई 0.81, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 100 वॉट। फुल लोड कॉपर लॉस आपको मिला है 100 वॉट। राइट, नो लोड लॉस आपको पहले ही दे दिया, यानी कि आयरन लॉस आपको दे दिया 64 वॉट। तो यहां पर आप लिखोगे कि आयरन लॉस 64 वॉट, फुल लोड कॉपर लॉस पी सी यू एफ एल इज 100 वॉट। अब क्वेश्चन को पढ़ो, इसने फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, द ट्रांसफार्मर हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन ऑपरेटेड एट व्हाट परसेंट ऑफ रेटेड करंट। किस लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी, यानी कि एस ईटा मैक्स इज इक्वल टू एस एफ एल इंटू रूट ओवर ऑफ आयरन लॉस डिवाइडेड बाय फुल लोड कॉपर लॉस। सो दिस इज इक्वल टू एस एफ एल, इसकी वैल्यू तो गिवन नहीं है ना, नहीं, रूट ओवर ऑफ आयरन लॉस है 64 डिवाइडेड बाय कॉपर लॉस है फुल लोड पर 100। तो ये क्या हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। राइट, सो दिस इज एस ईटा मैक्स। इसको आप लिख सकते हो क्या यहाँ से कि एस ईटा मैक्स इज इक्वल टू एस एफ एल इंटू 0.8 है ना, जो फुल लोड है उसका 0.8 टाइम्स लोड पर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलने वाली है। तो 0.8 इंटू एस एफ एल पर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी, इट मींस
फुल लोड का 80% पे आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन में आप देख लीजिए, ऑप्शन सी में गिवन है 80% ऑफ द रेटेड करंट, सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन फिर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सी ऑप्शन राइट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द एफिशिएंसी ऑफ अ पावर ट्रांसफार्मर अंडर शॉर्ट सर्किट टेस्ट कंडीशन इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट। जब हम किसी भी पावर ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर एफिशिएंसी कितनी होगी। एक्चुअली में जो एफिशिएंसी होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, एफिशिएंसी होता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय व्हाट, इनपुट पावर। ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट पावर है उसको हम डिवाइड करते हैं जो वो इनपुट पावर ले रहा है उससे हम डिवाइड करते हैं। इसको हम और कैसे लिखते हैं, आउटपुट पावर को हम लिख सकते हैं कि वी आई इंटू कॉस फाई राइट डिवाइडेड बाय। इनपुट पावर को हम कैसे लिख सकते हैं, इनपुट पावर को हम लिख सकते हैं आउटपुट पावर प्लस लॉस, और आउटपुट पावर हमारे पास है वी आई कॉस फाई, तो वी आई कॉस फाई प्लस वॉट लॉस। अब ये जो लॉस है, लॉस कौन कौन से लॉस हो जाएंगे, एक हो जाएगा आयरन लॉस, दूसरा हो जाएगा कॉपर लॉस राइट। इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, और एफिशिएंसी को हम लिख सकते हैं कि V इंटू आई, ये जो V इंटू आई है वही तो होता है KVA यानी कि अपेरेंट पावर। तो यहां पर हम लिखते हैं कि S इंटू कॉस फाई डिवाइडेड बाय यहां पर फिर से S इंटू कॉस फाई प्लस हो जाएगा लॉसेस विच इज आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, ऐसे हम यहां पर लिखते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वो क्या है, वो है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर प्लस लॉसेस, ये है एफिशिएंसी। जब आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हो तो उसका जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है वो कैसे ड्रॉ करते हो, ऐसे ड्रॉ करते हो ना इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, और आप कहते हो कि ये है एचवी साइड, एचवी साइड में आपने वोल्टेज अप्लाई किया है, वी वोल्टेज आपने अप्लाई किया है राइट। अब इसमें करंट फ्लो करता है, रेटेड करंट आप इसमें फ्लो करवाते हो या जो भी आप करंट इसमें फ्लो करवाओ, और जो सेकेंडरी साइड है उसको आप क्या करते हो, सेकेंडरी साइड को आप यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करते हो। ये है सेकेंडरी साइड, ये है एलवी साइड, लो वोल्टेज साइड को आपने क्या कर दिया है, आपने इसको शॉर्ट सर्किट किया है, दिस इज शॉर्ट सर्किट। लो वोल्टेज साइड पे आपको लोड लगाना चाहिए था लेकिन आपने लोड तो नहीं लगाया है, देर इज नो लोड ऑन एल वी साइड, सेकेंडरी साइड में कोई भी लोड नहीं है, आपने क्या किया उसको शॉर्ट कर दिया है। तो जब आपने शॉर्ट किया है, कोई लोड ही नहीं लगाया है, तो आउटपुट में पावर कहाँ से मिलेगा, नो पावर। कोई लोड नहीं है तो कोई पावर नहीं होगा, आउटपुट पावर जीरो, नो लोड मीन्स आउटपुट पावर जीरो। तो जब आउटपुट पावर ही जीरो है, यहाँ पर देखो जब ये आउटपुट पावर ही जीरो है तो जीरो डिवाइडेड बाय लॉसेस क्या हो जाएगा, जीरो। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, जीरो, 0%। एफिशिएंसी इज 0%। व्हाई, बिकॉज शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान आउटपुट में कोई भी पावर हमें नहीं मिलता है, हम क्योंकि हम सेकेंडरी में कोई भी लोड को कनेक्ट ही नहीं करते हैं, सेकेंडरी साइड को हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। ओके चलिए, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन कहता है 100 KVA ट्रांसफार्मर हैज़ मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ 98% व्हेन ऑपरेटिंग एट हाफ ऑफ फुल लोड एंड यूनिटी पावर फैक्टर। इट्स फुल लोड कॉपर एंड आयरन लॉसेस आर रिस्पेक्टिवली व्हाट। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, 100 KVA का ट्रांसफार्मर है जिसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी, यहाँ देखो मैक्सिमम एफिशिएंसी यहाँ पर गिवन है कितना, 98%। तो आप क्या लिखोगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी 98%, वो भी कहाँ पर है, फुल लोड पर है, यानी कि एस ईटा मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, फुल लोड। और फुल लोड पर केवीए कितना होगा, 100 KVA है ना, 100 KVA पर यहाँ पर मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलता है 100 KVA, एंड जो कॉस फाई है पावर फैक्टर वो क्या है, 1 राइट। सो मैक्सिमम एफिशिएंसी इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे, एस ईटा मैक्स इंटू कॉस फाई डिवाइडेड बाय एस ईटा मैक्स इंटू कॉस फाई प्लस, अब ये मैक्सिमम एफिशिएंसी है तो यहाँ पर आयरन लॉस कॉपर लॉस सेम होगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, 2 times of PI राइट। वेट वेट वेट, व्हाट हैपेंड, वेट वेट वेट,
हाँ यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, टू टाइम्स ऑफ पी आई ऐसे लिखूंगा, ठीक है। और मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना है, 0.98 इज इक्वल टू एस ईटा मैक्स है 100 KVA, तो 100 × 1 डिवाइडेड बाय 100 × 1 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 PI। सो यहाँ से आप क्या करोगे, 2 PI की वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे। ओके, 2 PI की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा 100 + 2 PI इज इक्वल टू 100 / 0.98। 100 / 0.98 कितना होगा, दिस इज 102.04। इसमें 2 PI कितना हो जाएगा, 2 PI इज इक्वल टू 2.04 किलो वॉट ये हो जाएगा। व्हाट अबाउट द आयरन लॉस, आयरन लॉस हो जाएगा 1.02 किलो वॉट। ये है आयरन लॉस, राइट। और कॉपर लॉस फुल लोड पर कितना होगा, है ना, फुल लोड पर, क्योंकि जो यूनिटी पावर फैक्टर है यहाँ, सॉरी, जो फुल लोड है, फुल लोड पर ही आपको, वेट 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 वेट, हाफ ऑफ द फुल लोड पे मिला ना मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी किस पे मिला है, हाफ ऑफ द फुल लोड पे ना, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं यहाँ पर फुल लोड पे कर रहा था सारा काम। देखो इसमें क्या कहा है, मैक्सिमम एफिशिएंसी है 98%, वो कहाँ पे मिला है, हाफ ऑफ द फुल लोड, ठीक है, हाफ ऑफ द फुल लोड पे मिला है। इट मीन्स एस ईटा मैक्स क्या हो जाएगा, फुल लोड का हाफ, फुल लोड है 100 KVA, तो इसका हाफ यानी कि 50 KVA, 50 KVA पर मैक्सिमम एफिशिएंसी मिली है विथ कॉस फाई इज इक्वल टू 1, राइट। सो मैक्सिमम एफिशिएंसी इज इक्वल टू एस ईटा मैक्स इनटू कॉस फाई डिवाइडेड बाय एस ईटा मैक्स इनटू कॉस फाई प्लस मैक्सिमम एफिशिएंसी है तो आयरन लॉस कॉपर लॉस सेम होगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 2 PI, राइट, ये हो जाएगा 2 PI। सो मैक्सिमम एफिशिएंसी गिवन है 0.98 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 50 × 1 डिवाइडेड बाय 50 × 1 प्लस 2 PI। तो यहाँ से हम PI की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 50 + 2 PI इज इक्वल टू 50 / 0.98 इज इक्वल टू व्हाट, 50 / 0.98 ये हो जाएगा 51.02, दिस इज 51.02। सो 2 PI क्या हो जाएगा, 2 PI हो जाएगा 1.02 किलो वॉट। सो PI कितना हो जाएगा, PI हो जाएगा 0.51, दिस इज व्हाट, दिस इज 0.51 किलो वॉट। 0.51 किलो वॉट यहाँ पर क्या है, ये है वॉट, दिस इज आयरन लॉस, आयरन लॉस आपको मिला है 0.51 किलो वॉट। अब इसने और क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, फुल लोड कॉपर लॉस, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम एफिशिएंसी पर आयरन लॉस के इक्वल जो कॉपर लॉस होगा, वो कॉपर लॉस कितना होगा, वो कॉपर लॉस भी तो इतना ही होगा, है ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि कॉपर लॉस इज इक्वल टू वॉट, 0.51 किलो वॉट। लेकिन ये जो कॉपर लॉस है वो किस लोड पर का कॉपर लॉस है, हाफ ऑफ द फुल लोड पे कॉपर लॉस है, ठीक है। तो ये है पी सी यू हाफ इज इक्वल टू दिस। अब पी सी यू हाफ को हम फुल लोड कॉपर लॉस के टर्म में कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 1/2 का स्क्वायर इंटू पी सी यू एफ एल, राइट, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ से हम पी सी यू एफ एल को फाइंड आउट कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, पी सी यू हाफ इज इक्वल टू 1/4 इंटू पी सी यू एफ एल। सो पी सी यू एफ एल फुल लोड कॉपर लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ कॉपर लॉस एट हाफ लोड, राइट। हाफ लोड पे कॉपर लॉस कितना है, 0.51, तो इसका 4 टाइम्स कर दोगे, 4 × 0.51 इज इक्वल टू वॉट, 10 × 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 2.04, तो ये हो जाएगा 2.04 किलो वॉट। देखो ये हो गया फुल लोड कॉपर लॉस और ये है आयरन लॉस। अब यहाँ पर फुल लोड कॉपर लॉस को पहले लिखना, इट मीन्स 2.04 एंड 0.51, 2.04 एंड 0.51 यानी कि
डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्वेश्चन नंबर में दो क्वेश्चन है, ठीक है, ये गेट का क्वेश्चन है, मैंने यहां पर लिखा नहीं है, गेट का क्वेश्चन, ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन है, इसको रीड करिए। 300 केवीए ट्रांसफार्मर हैज 95% एफिशिएंसी एट फुल लोड 0.8 पीएफ लैगिंग एंड 96% एफिशिएंसी एट हाफ लोड यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, दो एफिशिएंसी दिया गया है, एक एफिशिएंसी है 95% किस लोड पर है, फुल लोड पर, और 0.8 पीएफ लैगिंग पर है। ठीक है, तो ये फुल लोड पर है, तो कैसे लिखोगे, एफिशिएंसी इज इक्वल टू व्हाट, एस फुल लोड, फुल लोड पे जो एफिशिएंसी है, इनटू पावर फैक्टर डिवाइडेड बाय एस एफ एल इनटू पावर फैक्टर प्लस यहां पर हो जाएगा आयरन लॉस, और प्लस जब हम फुल लोड पर एफिशिएंसी निकालते हैं तो कॉपर लॉस भी हमारा किस पे होगा, फुल लोड पर, पीसीयू एफएल, राइट। एफिशिएंसी कितना गिवन है, यह है 95%, तो 0.95 इज इक्वल टू एसएफएल है 300 केवीए, सो 300 और पावर फैक्टर है 0.8, सो दिस मल्टीप्लाई विद दिस डिवाइडेड बाय 300 इंटू 0.8 प्लस यहां पर हो जाएगा पीआई प्लस पीसीयू एफएल, राइट right, ऐसा हो जाएगा। यहां से आप पी आई प्लस पी सी यू एफ एल को कैलकुलेट करोगे, सो 0.95 इज इक्वल टू, मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 300 इंटू 0.8, ये हो जाएगा 240 ना, 240 डिवाइडेड बाय 240 प्लस पी आई प्लस पी सी यू एफ एल। यहां से आप लिखोगे पी आई प्लस पी सी यू एफ एल, पी आई प्लस पी सी यू एफ एल, इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 0.95 और माइनस करेंगे 240, सो कैलकुलेशन आप यहां पर कर लीजिए, 240 डिवाइडेड बाय 0.95 और मल्टीप्लाई कर देंगे 240, सब्ट्रैक्ट करेंगे 240, ये हो जाएगा 12.63, तो ये हो जाएगा 12.63 किलो वॉट। ये क्या है, ये है आयरन लॉस प्लस फुल लोड कॉपर लॉस, इसकी वैल्यू हमें इतनी मिली है। ओके, इसको आप बोल दो कि दिस इज इक्वेशन नंबर वन, राइट। अब हम दूसरा इक्वेशन लिखेंगे, कहां से लिखेंगे, दूसरा इंफॉर्मेशन जो एफिशिएंसी के बारे में गिवन है कि 96% एफिशिएंसी एट हाफ लोड यूनिटी पावर फैक्टर, सो एफिशिएंसी हम क्या लिखेंगे यहां पर, 96% है ना, तो 0.96 इज इक्वल टू हाफ लोड पर है तो एस हाफ लोड, ये क्या हो जाएगा, फुल लोड पर केवीए है 300, हाफ लोड पर कितना हो जाएगा 150 इंटू पावर फैक्टर, किस पावर फैक्टर पे है, यूनिटी पावर फैक्टर पे, तो क्या करोगे इंटू 1 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 1 प्लस यहाँ पर आयरन लॉस तो सेम होगा, हाफ लोड हो या फिर फुल लोड हो, आयरन लॉस तो सेम होगा पी आई, प्लस फुल लोड, फुल लोड कॉपर लॉस, सॉरी हाफ लोड पर कॉपर लॉस को कैसे लिखोगे, क्योंकि एफिशिएंसी हमारी कैलकुलेट हो रही है अभी हाफ लोड पर, हाफ लोड पर जो कॉपर लॉस होगा वो क्या होगा, फुल लोड कॉपर लॉस डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 0.25 टाइम्स ऑफ पी सी यू एफ एल हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 0.25 टाइम्स ऑफ पी सी यू एफ एल, इसको आप कैलकुलेट करिए, तो यहाँ से मैं लिखूँगा पी आई प्लस 0.25 टाइम्स ऑफ पी सी यू एफ एल इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 150 को हम डिवाइड करेंगे 0.96 से और हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 150, तो कितना होगा 150 डिवाइडेड बाय 0.96, सब्ट्रैक्ट करेंगे 150, तो ये हो जाएगा 6.25, दिस इज 6.25 किलो वॉट। ये है, इसको आप लिख दो, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हमें दो इक्वेशन मिले हैं, ठीक है, अब देखो जो दो इक्वेशन मिला है, दोनों इक्वेशन को मैं एक साथ लिख लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है कि आयरन लॉस प्लस पी सी यू एफ एल इज इक्वल टू व्हाट, 12.63 किलो वॉट, यही था। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास है कि पी आई प्लस 0.25 टाइम्स ऑफ पी सी यू एफ एल is equal to कितना है 6.25 किलोवाट, दिस इज 6.25 किलोवाट, राइट।
अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर वन ये है, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, ये है इक्वेशन नंबर टू, वन में से टू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा माइनस साइन हो जाएगा, पी आई और माइनस पी आई कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.75 टाइम्स ऑफ पी सी यू एफ एल इज इक्वल टू 12.63 माइनस 6.25, 6.38 हो गया, दिस इज इक्वल टू 6.38 किलो वॉट। सो पी सी यू एफ एल कितना हो जाएगा, पी सी यू एफ एल फुल लोड पे कॉपर लॉस ये हो जाएगा 6.38 डिवाइडेड बाय 0.75, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा 8.51 किलो वॉट। वॉट इज दिस, दिस इज फुल लोड कॉपर लॉस, राइट, फुल लोड कॉपर लॉस आपको मिल गया है। तो अब आप आयरन लॉस कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर वन में पूछा है कि द आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस पी सी यू इन किलो वॉट अंडर फुल लोड ऑपरेशन, यानी कि फुल लोड कॉपर लॉस और आयरन लॉस आपसे पूछा है। आपने फुल लोड कॉपर लॉस तो फाइंड आउट कर लिए हैं 8.51 किलो वॉट, राइट। अब आपके पास चॉइस है कि जो फोर ऑप्शंस हैं उसमें से फुल लोड कॉपर लॉस के लिए 8.51 किलोवाट एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी को मार्क कर दो, या फिर आप आयरन लॉस भी कैलकुलेट करना चाहते हो तो क्या करोगे, जो इक्वेशन नंबर वन है, ये इक्वेशन नंबर वन में पी सी यू एफ एल की वैल्यू को पुट कर दोगे तो आयरन लॉस मिल जाएगा, पी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12.63 माइनस कर देंगे पी सी यू एफ एल विच इज 8.51, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4.12 ना, 4.12 किलोवाट नियर अबाउट, ठीक है। तो ये हो गया आयरन लॉस और कॉपर लॉस है 8.51, दोनों को आप कंबाइन कर लो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू में हमसे पूछा है कि फाइंड मैक्सिमम एफिशिएंसी इन परसेंटेज एट यूनिटी पावर फैक्टर लोड, यूनिटी पावर फैक्टर लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना होगा, राइट। तो हम मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए आपको एस ईटा मैक्स की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एस ईटा मैक्स को फाइंड आउट करना होगा, एस ईटा मैक्स, ये एस ईटा मैक्स क्या होगा, एस फुल लोड इनटू रूट ओवर ऑफ आयरन लॉस डिवाइडेड बाय फुल लोड कॉपर लॉस, राइट। एस फुल लोड कितना है, इसका जो केवीए है ट्रांसफार्मर का वो कितना है, 300 केवीए गिवन है, तो एस एफ एल कितना हो जाएगा 300, दिस इज 300 केवीए इनटू रूट ओवर ऑफ आयरन लॉस कितना है, कितना कैलकुलेट किया है 4.12 किलोवाट डिवाइडेड बाय फुल लोड कॉपर लॉस है 8.51, इसको आप कैलकुलेट कर लो तो ये एस ईटा मैक्स मिल जाएगा, क्या है 4.12 डिवाइड करेंगे 8.51 और इसका करना है रूट, मल्टीप्लाई करना है 300 से, तो ये हो जाएगा 208.74, दिस इज 208.74 केवीए, इस केवीए पर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलने वाली है, दिस इज एस ईटा मैक्स, राइट। मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको इस लोड पर मिलेगा, इस केवीए पर मिलेगा, लेकिन आपसे क्या कहा है, मैक्सिमम एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना। अच्छा, जब मैक्सिमम एफिशिएंसी आप फाइंड आउट करोगे तो इस लोड पर आयरन लॉस और कॉपर लॉस की वैल्यू होगी सेम, राइट, दोनों की वैल्यू सेम होगी और इक्वल टू कितना होगा, आयरन लॉस के इक्वल होगा, आयरन लॉस कितना है 4.12 किलो वॉट, ये होगा, ठीक है, एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लो, एफिशिएंसी मैक्सिमम इज इक्वल टू एस ईटा मैक्स यानी कि 208.74, और इसने ये भी कहा कि यूनिटी पावर फैक्टर पे, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर टू इसने क्या कहा है, एट यूपीएफ लोड, ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर मींस कॉस फाई इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय 208.74 इनटू वन प्लस ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ आयरन लॉस 2 PI, या तो आप 2 PI लिख लो या फिर PI प्लस PCU लिख लो, बोथ आर सेम, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 4.12 ना, 12 कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 4.12 इंटू 2 8.24 प्लस 208.74
208.74 डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू 96.2%। एफिशिएंसी मैक्सिमम कितनी आई है? 96.2%, राइट। ये है मैक्सिमम एफिशिएंसी, राइट। ऑप्शन देख लीजिए, 96.2% यानी कि बी ऑप्शन में ऐसा गिवन है, सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो यहां पर आपको ऑलरेडी दो एफिशिएंसी गिवन था, फुल लोड पे कितना था? 95%। यहां देखो क्वेश्चन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, 95% एफिशिएंसी फुल लोड पर, हाफ लोड पे कितना है? 96% एफिशिएंसी, और मैक्सिमम कितना आया है? 96 से ज्यादा आया है, 96.2%, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों हो गया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखो ये भी गेट का क्वेश्चन है और इसके दो पार्ट है, दो पार्ट है। देखिए, इन अ 50 केवीए 11 किलो वोल्ट बाय 400 वोल्ट ट्रांसफार्मर द आयरन एंड कॉपर लॉसेस आर 500 वॉट एंड 600 वॉट रेस्पेक्टिवली अंडर रेटेड कंडीशन। यानी कि जो कॉपर लॉस गिवन है वो फुल लोड कॉपर लॉस है, तो यहां पर मैं लिखूंगा कि आयरन लॉस है 500 वॉट, PCUFL है 600 वॉट, राइट। आयरन लॉस और PCUFL आपको दे दिया गया है। अब आपसे क्या पूछा है? द एफिशिएंसी ऑन यूनिटी पावर फैक्टर एट फुल लोड विल बी व्हाट? फुल लोड पर आपको एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है विथ यूनिटी पावर फैक्टर, राइट। फुल लोड पर एफिशिएंसी, सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस इंटू कॉस फाइव, फुल लोड पे है तो यहाँ पे मैं एस एफ एल लिख देता हूँ, एस एफ एल इंटू कॉस फाइव डिवाइडेड बाय एस एफ एल इंटू कॉस फाइव, और प्लस यहाँ पर होगा आयरन लॉस, और प्लस यहाँ पर कॉपर लॉस कौन सा होगा? फुल लोड कॉपर लॉस, क्योंकि एफिशिएंसी हम फुल लोड पे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो पी सी यू एफ एल दिस इज इक्वल टू एस एफ एल। एस एफ एल कितना है? जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है कितनी है? 50 KVA। तो मैं क्या लिखूंगा? 50 KVA को यदि मैं सिर्फ 50 लिख रहा हूँ, 50,000 नहीं लिख रहा हूँ, 50 लिख रहा हूँ, तो इट मीन्स जो भी वैल्यू होगा उसको आपको क्या करना है? उसको आपको मीन्स 1000 के फॉर्म में नहीं, सिर्फ आपको नंबर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अंडरस्टूड रहेगा कि आप किलो लिख रहे हो, ठीक है। सो 50 × 1, 1 क्या है? पावर फैक्टर है, यही है ना, ऑन यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। सो ये हो जाएगा 50 × 1 प्लस आयरन लॉस कितना है? 500 वॉट। यहाँ देखो आयरन लॉस है 500 वॉट, इट मींस कितना किलो वॉट? तो 0.5 किलो वॉट, तो यहाँ पर हम 0.5 लिखेंगे। प्लस PCUFL कितना है? 600 वॉट, इसको आप किलो वॉट में कैसे लिखोगे? 0.6। कैलकुलेट कर लीजिए, सो 50 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा? 51.1 हो जाएगा, राइट। दिस इज 51.1, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एफिशिएंसी परसेंटेज में मिल जाएगा। 50 डिवाइडेड बाय 51.1, 97.847 एफिशिएंसी कितनी आ गई? 97.847%, ये है एफिशिएंसी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 97.847%, ये है इसकी एफिशिएंसी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। इस क्वेश्चन में क्या कहा? द लोड एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर्स एंड द आयरन एंड कॉपर लॉसेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस लोड विल बी व्हाट? सबसे पहले आपको वो लोड फाइंड आउट करना है जिस लोड पर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी, राइट। तो वो लोड कैसे फाइंड आउट करते हैं? एस ईटा मैक्स इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू फुल लोड केवीए इनटू रूट ओवर ऑफ आयरन लॉस डिवाइडेड बाय PCUFL, ओके। SFL कितना है? SFL है 50 KVA, सो दिस इंटू आयरन लॉस कितना है? आयरन लॉस यहाँ पर है 500 वॉट, तो देखो दोनों ही वॉट में है, आयरन लॉस भी वॉट में है, फुल लोड कॉपर लॉस भी वॉट में है, तो इसको आप किलो वॉट में कन्वर्ट कर लो या फिर ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रेशियो है तो एक दूसरे को ये कैंसल आउट कर देगा, ठीक है। दोनों का यूनिट सिर्फ सेम होना चाहिए, राइट। तो 500 डिवाइडेड बाय फुल लोड कॉपर लॉस 600 कितना होगा? रूट ओवर 5/6, इंटू 50, 45.64, दिस इज 45.64 KVA।
ये जो केवीए है, इस केवीए पर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। और फिर और आगे स्टेटमेंट में इसने क्या पूछा है? और इसने पूछा है द आयरन एंड कॉपर लॉसेस कॉरिस्पॉन्डिंग टू दिस लोड, जिस लोड पर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिली है उस लोड पर आयरन लॉस और कॉपर लॉस कितने होंगे। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी जिस लोड पर मिला है उस लोड पर जो कॉपर लॉस होगा वो आयरन लॉस के इक्वल होगा। क्वेश्चन में आयरन लॉस कितना गिवन है? 500 वॉट। तो कॉपर लॉस कितना होगा? 500 वॉट इस लोड पर। सो पी आई इज इक्वल टू 500 वॉट, पी सी यू 500 वॉट आंसर हो जाए। ओके नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, 40 केवीए ट्रांसफार्मर हैज अ कोर लॉस ऑफ 400 वॉट एंड अ फुल लोड कॉपर लॉस 800 वॉट। यहां पर पी आई की वैल्यू गिवन है 400 वॉट एंड पी सी यू एफ एल फुल लोड कॉपर लॉस कितना है? 800 वॉट। क्या पूछा है? द प्रोपोर्शन ऑफ फुल लोड एट मैक्सिमम एफिशिएंसी इज व्हाट? मैक्सिमम एफिशिएंसी पर फुल लोड का कितना प्रोपोर्शन लोड हम कनेक्ट करेंगे सो दैट हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले, राइट? यानी कि हमसे ये पूछा है कि एस ईटा मैक्स डिवाइडेड बाय एस एफ एल आप बता दो कि ये कितना परसेंट होगा, ये आपसे पूछा है, राइट? तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एस ईटा मैक्स इज इक्वल टू एस एफ एल इंटू रूट ओवर ऑफ आयरन लॉस डिवाइडेड बाय पी सी यू एफ एल। सो यहां से हम लिखेंगे एस ईटा मैक्स डिवाइडेड बाय एस एफ एल इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ पी आई की वैल्यू है 400, पी सी यू एफ एल है 800। ये क्या हो जाएगा? रूट ओवर 1/2। रूट ओवर 1/2 कितना होता है? 0.707 होता है, यानी कि कितना परसेंट हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 70.7%, राइट? ऑप्शन देख लीजिए, सी ऑप्शन में गिवन है 70.7%, सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, 250 वोल्ट बाय 500 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर गेव द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट। दो टेस्ट किया गया है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट। दोनों का जो डेटा है वो हमारे पास अवेलेबल है, राइट? शॉर्ट सर्किट टेस्ट से आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है कॉपर लॉस। अब ये डिपेंड करता है कि जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब आप कर रहे थे तो उस टाइम पर जो होल सर्किट था उसमें फुल लोड करंट फ्लो कर रहा था, यानी कि रेटेड करंट फ्लो कर रहा था या फिर नहीं कर रहा था। अगर रेटेड करंट फ्लो करवा रहे थे आप ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तब जो वॉट मीटर की रीडिंग होगी वो होगी फुल लोड कॉपर लॉस, राइट? अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान फुल लोड करंट आपने फ्लो नहीं करवाया, कुछ और करंट फ्लो कर रहा था, तो उस करंट के अकॉर्डिंग आपको कॉपर लॉस की वैल्यू मिलेगी, वो फुल लोड कॉपर लॉस नहीं होगी, फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जो हमारा ओपन सर्किट टेस्ट है वो क्या देता है? वो देता है हमें आयरन लॉस की वैल्यू। यहाँ पर ओपन सर्किट टेस्ट से हमें मिला है 80 वॉट। वॉट मीटर की रीडिंग कितनी है? 80 वॉट। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो आयरन लॉस है दिस इज इक्वल टू 80 वॉट। ओके, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हमें मिलता है कॉपर लॉस, सो पी सी यू की वैल्यू, ये जो कॉपर लॉस है ये है 100 वॉट। लेकिन आप ध्यान रखना कि ये जो 100 वॉट कॉपर लॉस की वैल्यू है ये किस करंट पर है, इसमें लिखा हुआ है एट वॉट 12 एम्पियर। तो एट 12 एम्पियर मैं लिख देता हूँ कि जब 12 एम्पियर का लोड कनेक्टेड होगा तब यहाँ पर कॉपर लॉस होगा 100 वॉट। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को आगे पढ़ो। डिटरमिन द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर व्हेन द आउटपुट इज 12 एम्पियर। यहां देखो आउटपुट इज 12 एम्पियर, इट मींस जिस लोड पर कॉपर लॉस की वैल्यू गिवन है उसी लोड पर आपको एफिशिएंसी भी फाइंड आउट करना है, राइट? यानी कि जो जो हमारे पास कॉपर लॉस है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो इसने कहा है कि व्हेन द आउटपुट इज 12 एम्पियर एट 500 वोल्ट एंड 0.85 PF लैगिंग, हमें एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है। सो इसमें इसने लिखा क्या है, लोड साइड इसने क्या क्या लिखा है? लोड साइड
लोड साइड में जो करंट है वो कितना है, 12 एम्पियर, जो वोल्टेज है वो कितना है, 500 वोल्ट, जो पावर फैक्टर है वो कितना है, 0.85। तो आउटपुट पावर क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर पी नॉट इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, राइट। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है तो वी आई कॉस फाई, राइट। सो यहां से आउटपुट पावर विल बी इक्वल टू 500 वोल्ट, 12 एम्पीयर, 0.85। इसको आप कैलकुलेट कर लो, ये हमें मिल दे, ये हमें दे देगा आउटपुट पावर। सो 512.85, 5100, ये हो जाएगा 5100 वॉट, ये है आउटपुट पावर। अब आपको एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी आप कैसे लिखोगे, एफिशिएंसी आप लिखते हो आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, और इनपुट पावर को आप कैसे लिखते हो, आउटपुट पावर प्लस लॉसेस, राइट, है ना। यहां पर आउटपुट पावर को आप लिखोगे 5100 वॉट डिवाइडेड बाय, फिर से आउटपुट पावर 5100 वॉट प्लस लॉसेस। लॉसेस में कौन कौन से लॉस होंगे, आयरन लॉस प्लस प्लस कॉपर लॉस। आयरन लॉस गिवन है 80 वॉट, प्लस कॉपर लॉस कितना है, कॉपर लॉस जो गिवन है 100 वॉट, उसको चेंज करने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि 100 वॉट जो मेजरमेंट है, वॉट मीटर की जो रीडिंग है शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान 100 वॉट, वो किस करंट के लिए है, 12 एम्पीयर के लिए, और जो हमारा लोड कनेक्टेड है वो भी 12 एम्पीयर का लोड है, तो यानी कि जो कॉपर लॉस हम यूज करेंगे वो 100 वॉट ही यूज करेंगे, ठीक है। तो दिस इज वॉट, दिस इज 100 वॉट। एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताता हूँ कि अगर आपको ये कहा होता कि लोड जो है वो है 6 एम्पीयर का लोड है, तब आप इससे क्या समझते, 6 एम्पीयर का अगर लोड गिवन होता और 12 एम्पीयर पर आपको कॉपर लॉस दे दिया गया होता 100 वॉट, फिर आप क्या करते, 6 एम्पीयर मीन्स हाफ लोड, राइट, और 12 एम्पीयर पर जो कॉपर लॉस है उसका 1/4 हो जाता 6 एम्पीयर पर, राइट। 100 का 1/4 यानी कि 25 वॉट हम यूज करते अगर 6 एम्पीयर का करंट लोड में फ्लो करता तो, ठीक है। सो इसको आप यदि 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको परसेंटेज में वैल्यू मिल जाएगी, कैलकुलेट कर लीजिए। 5100 डिवाइडेड बाय 5280, यही होगा ना, 96.6, कितना हो जाएगा, 96.6%। ऑप्शन को देख लीजिए, बी ऑप्शन में गिवन है 96.6%, सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। सो इट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।